हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो कनाडा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, 24 नवंबर की पीपीआर्स आ चुकी हैं मेरे पास। आज कुछ अराउंड 20 पीपीआर्स आई हैं, कल से थोड़ी सी कम है पीपीआर्स। तो चलिए पीपीआर्स की टाइमलाइन देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, एज़ यूजुअल, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की अपडेट्स एंड पीपीआर्स की लेटेस्ट टाइमलाइंस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए पहली पीपीआर की टाइमलाइन देखते हैं। ओके गाइस, तो ये मेरे व्यूअर हैं, इनको इनके बर्थडे पर इनकी पीपीआर रिसीव हो चुकी है, तो स्पेशल गिफ्ट मिल चुका है इनको इनके बर्थडे पर। तो इनकी टाइमलाइन देख लेते हैं। अपफ्रंट मेडिकल इन्होंने 25 अगस्त को करवाया था, फाइल अप्लाई इन्होंने 14 सितंबर को की थी, बायोमेट्रिक्स 28 सितंबर के थे इनके, मेडिकल अपडेट इनका 9 नवंबर को हो गया था, BVL इनको 15 सितंबर को आया था और फाइनली 24 सितंबर को इनको इनकी PPR। गाइस, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, BVL 15 नवंबर था इनका और PPR इनको 24 नवंबर को रिसीव हुई है। प्रीवियस एजुकेशन BCOM है, पास्ड आउट 2014 और 7 इयर्स का गैप है इनका। नो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद द फाइल, 7.5 बैंड्स हैं इनके ओवरऑल और SOP भी इन्होंने अपनी खुद ही बनाई थी, IDP से इन्होंने अप्लाई किया था। ओके गाइस, तो ये भी मेरे व्यूअर हैं। 16 सितंबर है इनकी फाइल लॉजमेंट डेट, 7 सितंबर मेडिकल है, 5 अक्टूबर बायोमेट्रिक्स हैं, सेम डे अपडेट हो गए, 24 नवंबर को मेडिकल अपडेट हुआ और BVL लाया, साथ ही साथ में PPR भी 24 नवंबर को इनको रिसीव हो गई। STS केस था जनवरी इनटेक के लिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्होंने की हुई है, 6.5 बैंड्स हैं IELTS में, सस्केचवन पॉलिटेक्निक में इन्होंने अप्लाई किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका कोर्स है। ओके गाइस, तो ये भी मेरे व्यूअर हैं, इनका प्रोफाइल देख लेते हैं। मेडिकल 23 अगस्त है, फाइल लॉ 16 सितंबर है, बायोमेट्रिक्स 22 सितंबर है, सेम डे ही अपडेट हो गए थे इनके, मेडिकल अपडेट हुआ और साथ ही साथ में BVL आया इनको 24 नवंबर को, उसके बाद PPR भी इनको 24 नवंबर को ही रिसीव हुई है। प्रोफाइल देखिए, बैचलर्स 85.3%, 12th में 93.5%, 10th में 96.6%, काफ़ी अच्छा इनका स्कोर है। IELTS में 8 हैं ओवरऑल बैंड्स, नॉट लेस देन 7 इन ईच मॉड्यूल। ओके, तो ये नेक्स्ट देखिए, इनकी फाइल लॉजमेंट डेट थी 4 सितंबर, मेडिकल अपडेट हुआ था इनका 29 अक्टूबर को और PPR इनको आई है 24 नवंबर को। IELTS में 6.5 इनका ओवरऑल स्कोर है, सस्केचवन पॉलिटेक्निक में अप्लाई किया था इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स के लिए। ओके गाइस, ये भी मेरे व्यूअर हैं, इन्होंने फाइल लॉज की थी अक्टूबर 15 को, बायोमेट्रिक्स इन्होंने करवाए थे नवंबर 9 को, मेडिकल अपडेट हुआ इनका नवंबर 22 को और BVL एंड PPR आई नवंबर 24 को। IELTS में 7 बैंड्स हैं इनके, BCOM की हुई है और 6 मंथ्स का इनको वर्क एक्सपीरियंस है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, सितंबर 17 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे हो गया, बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर भी इनको नेक्स्ट डे ही आ गया था, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई इनको नवंबर 24 को। ओके, ये नेक्स्ट देखिए, सितंबर 16 है फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे हो गया, नेक्स्ट डे बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आ गया इनको, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड साथ ही साथ में ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट नवंबर 24 को रिसीव हो गई। ओके गाइस, ये नेक्स्ट है, सितंबर 2 है फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे हो गया, उसके बाद आफ्टर 2 डेज इनको बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आया, देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट नवंबर 24 को इनको रिसीव हुआ है। ओके, तो ये नेक्स्ट है, सितंबर 18 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, नेक्स्ट डे बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर भी आ गया, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट नवंबर 24, 2021 को रिसीव हो गई। ओके गाइस, तो ये देखिए, एक प्रोफाइल सितंबर 1 को इन्होंने फाइल लॉज की थी, 2 सितंबर बायोमेट्रिक्स हैं, मेडिकल है 10 जुलाई का, फिर मेडिकल अपडेट हुआ, BVL आया और साथ ही साथ में PPR आई 24 नवंबर को। STS केस था, IELTS में 6 ईच हैं बैंड्स, 10th में 90% है, 12th में 94% है नॉन मेडिकल के साथ और ये जा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स के लिए। ओके गाइस, तो ये देखिए, सितंबर 4 है फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे हो गया, नेक्स्ट डे बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर भी आ गया, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट नवंबर 24 को इनको रिसीव हुए हैं। ओके, तो ये देखिए, सितंबर 18 की फाइल आ गई, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे हो गया था, सितंबर 19 को बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आ गया इनको, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया नवंबर 24 को
और उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई नवंबर 24 को। देन आ गई सितंबर 16 की फाइल, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे। नेक्स्ट डे बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर आ गया सितंबर 17 को। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड साथ ही साथ में ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई नवंबर 24 को। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए फाइल लॉजमेंट डेट थी इनकी 17 सितंबर, बायोमेट्रिक्स है 22 सितंबर, मेडिकल 23 सितंबर, बायोमेट्रिक्स अपडेट हो गए सेम डे 22 सितंबर को, मेडिकल 23 सितंबर को नवंबर को इनका अपडेट हुआ, फिर इनको PPRI 24 नवंबर को। ओके गाइज, ये नेक्स्ट देखिए 2 सितंबर है इनकी फाइल लॉजमेंट डेट, बायोमेट्रिक्स डेट है 8 सितंबर, मेडिकल है 26 जुलाई, अपडेट हुआ 8 अक्टूबर को, और PTE इनकी एक्सपायर हो चुकी थी 13 नवंबर को, उसके बाद इनको BVL एंड PPRI है 25 नवंबर को। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए जेन्युइन डे के लिए ये जा रहे हैं, पास्ड आउट हैं 2011 में, BCA की हुई है, एक्सपीरियंस है इनको 11 इयर्स का, यूनिवर्सिटी एज लैब टेक्नीशियन। उसके बाद इन्होंने अपनी फाइल लॉन्च की थी 17 सितंबर को, मेडिकल करवाया था 8 सितंबर को, बायोमेट्रिक्स की डेट है 12 अक्टूबर, देन मेडिकल इनका अपडेट हुआ 22 नवंबर को, और PPR इनको रिसीव हुई है 25 नवंबर को। ओके गाइज, ही नेक्स्ट देखिए आफ्टर 3 मंथ्स इनको इनकी PPR रिसीव हो चुकी है 24 नवंबर को। टाइमलाइन देखिए, मेडिकल 28 जुलाई, फाइल लॉजमेंट डेट 21 अगस्त, मेडिकल 30 अगस्त करवाया था और सेम डे अपडेट हो गया था, बायोमेट्रिक 30 अगस्त करवाए थे और सेम डे अपडेट हो गए थे, मेडिकल अपडेट हुआ इनका 12 अक्टूबर को, BVL एंड PPRI 24 नवंबर को। 6.5 है इनका IELTS का स्कोर और एक्सपायर हो चुकी थी IELTS सितंबर 25 को, उसके बाद इन्होंने न्यू IELTS की 7.5 बैंड्स आई उसमें इनके, 4.4 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है, विद STS फाइल लॉज है, ये STS केस है, विद लोन फ्रॉम बैंक। ओके, ये नेक्स्ट देखिए टाइमलाइन देखते हैं, 17 सितंबर फाइल लॉजमेंट डेट, बायोमेट्रिक्स 5 अक्टूबर, मेडिकल अपडेट 20 नवंबर, BVL एंड PPR 25 नवंबर को। ओके गाइस, तो ये देखिए अक्टूबर 16 की ये फाइल है, सबमिशन कंफर्मेशन नेक्स्ट डे हुआ, उसके नेक्स्ट डे इनको बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आया, फिर नवंबर 24 को कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया, देन ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट नवंबर 24 को इनको रिसीव हो गई। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए अक्टूबर 7 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, नेक्स्ट डे बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आ गया इनको, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट नवंबर 24 को इनको रिसीव हो गई। ओके गाइज, ये लास्ट है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर है, नेम मेंशन हम नहीं कर सकते, एप्लीकेशन नंबर भी नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन ये पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो है ये नवंबर 24 को इनको रिसीव हुई थी। ओके गाइस, तो इतनी ही थी आज PPRs मेरे पास, अगर शाम तक थोड़ी सी और आ जाएंगी तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पर, नहीं तो वीडियो में। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर कोई सजेशंस हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। एंड टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ इन योर होम्स।